राष्ट्रमुख ज्योति में अब बात फ्यूचर की। कहते हैं कि आने वाला वक्त रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और ये वक्त बहुत तेजी से दुनिया को बदल रहा है। दुनिया में इंसानों की तरह दिखने, इंसानों की तरह बोलने, सोचने वाले रोबोट्स पर तेजी से काम चल रहा है और ये रोबोट्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों की जगह लेते जा रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया और भविष्य इन रोबोट्स की जनरेशन इंसानों का साथ देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंसानी बस्ती में रोबोट की एंट्री, खुशखबरी या खतरे की घंटी, हर काम में रोबोट बनेंगे परफेक्ट। साकार हो रही है फिल्मी स्क्रिप्ट, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो चल सकते हैं, वो सोच सकते हैं। ये रोबोट हर वो काम कर सकते हैं जो इंसान आसानी और मुश्किल दोनों से कर सकते हैं। 21वीं सदी की दुनिया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ज्यादा आगे और कहीं ज्यादा एडवांस हो रही है और इसका जीता जागता सबूत है दुबई के म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में मौजूद रोबोट अमेरिका। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ने हाल ही में सबसे उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल शुरू किया है। इतना ही नहीं, म्यूजियम ने अमेरिका नाम के इस रोबोट को अपनी स्टाफ टीम में शामिल किया है। अमेरिका रोबोट इंसानों की तरह बात करती है, अपने बारे में बताती है और आने वाले वक्त में अमेरिका म्यूजियम देखने आने वाले लोगों की गाइड भी बनेगी। अमेरिका अपने आप में कई खूबियां समेटी हुई रोबोट है। कई भाषाएं बोलने वाली अमेरिका लोगों से आम लोगों की तरह बात कर सकती है, लोगों को गाइड कर सकती है, लोगों का अभिवादन कर सकती है। अमेरिका को रोबोट का फ्यूचर फेस भी कहा जा रहा है। इस रोबोट की सबसे खास बात इसका आम मनुष्यों की तरह एक्सप्रेशन देना है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब अगले साल ऐसे रोबोट्स को कई जगहों पर तैनात करने वाला है। The most advanced humanoid robot in the world. Specifically because of its use of artificial intelligence, its bionic movement, its facial expressions, and you can see as well from Amica how it can look. सिर्फ दुबई ही नहीं, दुनिया के कई देश ह्यूमनॉइड रोबोट के डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रहे हैं और इसी की एक बानगी देखने को मिली ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद में AIDA नाम के रोबोट ब्रिटिश सांसदों को विज्ञान की दुनिया की अनूठी क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संबोधित करती नजर आई। हालांकि संबोधन के दौरान तब अजीबो गरीब हालात बन गए जब इस रोबोट को मेजबानों से बात करते करते नींद आ गई और इस वजह से इसकी आंखें डरावनी जॉम्बी जैसी हो गई। रोबोट को बनाने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे एक तकनीकी परेशानी बताया। स्लीप मोड में पहुंच गई रोबोट को तुरंत ठीक भी कर दिया गया और रोबोट ने दोबारा अपनी स्पीच शुरू कर दी। ह्यूमनॉइड रोबोट्स की रेस में एलन मस्क भी पीछे नहीं है। मस्क की कंपनी टेस्ला ने भी कुछ दिनों पहले अपने एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट को दुनिया के सामने रखा था। दुनिया को ड्राइवर लेस कार देने वाली टेस्ला का रोबोटिक प्रोजेक्ट दुनिया के लिए बड़ा अचंभा है। इसके अलावा अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ स्पिन ऑफ कंपनी एजिलिटी रोबोटिक्स ने एक स्पेशल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। इसका नाम कैसे रखा गया? इस रोबोट को 100 मीटर की रेस के लिए मैदान पर उतारा गया। दो पैरों वाले इस रोबोट ने कॉलेज के ट्रैक पर 24.7 सेकंड 100 मीटर तक दौड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। बेशक दुनिया के तमाम रोबोट इंसानों के साथ भविष्य साझा करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि मानव सभ्यता के लिए ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रोबोट इंसानों के लिए बेरोजगारी की वजह बनेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी जिंदगी पर हावी हो जाएंगे, साथ ही डिफेंस क्षेत्र में रोबोट की एंट्री दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सच्चाई ये भी है कि हर चीज की तरह रोबोट डेवलपमेंट की अपनी खूबियां और खामियां हैं, लेकिन जिस तरह से साल 2022 में ही दुनिया एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स देख रही है, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले कुछ ही सालों में इंसान और रोबोट एक साथ रहते और काम करते नजर आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन।